शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये सऊदी अरब में जो मुकीम पाकिस्तानी है उनसे 4000 रुपए जो है वो एक तो हुकूमत काटती है, फिर 8000 रियाल सऊदी जो कफील वहां पे होता है वो उनकी तनख्वाह से काटता है। 2015 में जो सऊदी लेबर लॉ में अमेंडमेंट हुई है उसके थ्रू आप कफील जो है वो डिडक्शन नहीं कर सकता सैलरीज में, लेकिन पाकिस्तानियों की तनख्वाहों से फिर भी ये पैसे काटे जा रहे हैं। सिफारत खाना बिल्कुल अपनी पाकिस्तानी जो वहां पे मुकीम है उनके अवेयरनेस के लिए या उनके एजुकेट करने के लिए कुछ नहीं कर रहा। उसके साथ साथ 1 लाख तक पाकिस्तानी है जिनका इकामा रिन्यू ही नहीं हो रहा, और उसके साथ साथ 8000 से ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब के जेलों में मुकीम है। तो इसके लिए अभी तक हमारा सिफारतखाना बिल्कुल खामोश है। दौरे हमारे वहां पे बहुत होते हैं लेकिन इसके लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, हालांकि सऊदी लेबर लॉ जो है उसमें भी अमेंडमेंट आ चुकी है। तो हुकूमत इसके लिए क्या कुछ कर रही है और अभी तक क्या कर चुकी है? जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मुराद सईद साहब का माइक खोलें। इकदाम करेंगे या मैंने ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से सवाल किया है, 8000 पाकिस्तानी की मैंने बात की है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप क्या इकदाम कर रहे हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है, रिपीट कीजिए सवाल और वो रिस्ट्रिक्ट कीजिए ओवरसीज के। जी नहीं, आपको इस बात को समझ आती भी नहीं है। नो क्रॉस टॉक। जी जनाबी स्पीकर, ये पहले भी मैं मुशीर खारजा की मौजूदगी में ये सवाल उठा चुका हूँ, मुझे कहा गया कि 8000 तक पाकिस्तानी सऊदी अरब के जेलों में मुकीम है, उसके लिए हमने क्या इकदाम किए और उसके साथ साथ 1 लाख तक पाकिस्तानी जो है उनका इकामा रिन्यू नहीं हो रहा। सऊदी लॉ में लेबर लॉ में अमेंडमेंट आ चुकी है, उसमें तरमीम हो चुकी है जिसके थ्रू आप डिडक्शन नहीं कर सकते सैलरी से, आज भी हो रहा है, तो क्या ये पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहब इसका जवाब देंगे? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती पार्लियामेंट।